फाइंडिंग्स जो हैं, जेजे के रिपोर्ट है, बहुत सारे रिपोर्ट, इवन अगर मैं मैनुअल सेकेंडरी एक्ट जो बना 2013 में, जो एक बार 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 पुनर्वास की हम लोग बात करते हैं, इतने सारे एक्ट में इतनी सारी सुविधाएं डॉक्यूमेंट हमारे सामने उपलब्ध होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कहाँ है? जो भी एक्ट बना 2013 कम से कम 13 का एक्ट हमें बहुत सारी सुविधाएं देता है, लेकिन प्रैक्टिकली जो धरातल पे जो होना चाहिए वहां पर कहीं भी सफाई पेशे को छोड़कर जो दूसरे काम करने के लिए कोई भी जाता है तो उसको पेशा वो समाज, जिस समाज का वह हिस्सा है उसको नहीं करने दिया जाता। मैं बात कर रही थी पानीपत में एक पुरुष, एक सफाई कर्मी था, उसने इस पेशे को छोड़ा, दूध बेचने का काम शुरू किया। आपको हैरानी होगी जानकर कि किसी ने भी उससे दूध नहीं खरीदा, उसने ऐसे गांव में जाके साइकिल पे जाके पैदल जाके दूध बेचना पड़ा जहां उस गांव के लोग उसको ये ना जानते हो कि ये सफाई पेशे से जुड़ा हुआ है। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने देती हूँ, मेरा अपना खुद का। मैंने पीएचडी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया, प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और एक वक्त था, एक जमाना था जब उसको इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी एक रैंकिंग थी। उस यूनिवर्सिटी में जब ये पता लग रहा था कि मैं बिलोंग करती हूँ मैनुअल स्ट्रेंजर फैमिली से, मुझसे ये कहा गया था कि जिस बेंच पर मैं बैठती हूँ अगर किसी को भी ये पता लगेगा तो मेरे बेंच पर बैठना कोई पसंद नहीं करेगा। अब ये देखिए, हम बात करते हैं पूरी के पूरी रिसर्च किए हुए फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट इतना पैसा बहा रही है, इसके बावजूद भी सवाल कहाँ खड़ा है? आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में ड्रॉप आउट रेट आपने आप खुद माना है, अपने सेमिनार में बहुत सारे पेपर्स में यह कहा गया कि ड्रॉप आउट रेट जो सबसे ज्यादा है वो मैनुअल स्कंजर में, विदिन शेड्यूल कास्ट। अगर आप दिल्ली का सिर्फ उदाहरण ले तो 10th क्लास पास आउट आपको बिल्कुल पुअर रेशो आपको मिलेगा इस कैटेगरी में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों के बावजूद एक बड़ा सवाल हमारे साथ है कि वो है माइंडसेट। हम लोग अपना माइंडसेट नहीं बदल पाए। जिस दिन माइंडसेट बदलेगा तो शायद जितने भी करोड़ों की तरह स्वच्छ भारत अभियान पे पैसा बहाया जा रहा है या फिर फैक्ट फाइंडिंग लेके आ रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी भी इसमें इस्तेमाल करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, केरला जैसी कंट्री जो एजुकेशन में सबसे आगे है, बावजूद इसमें उनका जो आंकड़ा है मैनुअल स्कंजर का एजुकेशन का वो बहुत पुअर है। क्या वजह है कि वेस्ट बंगाल जो इतना बड़ा मतलब स्टेट रहा और एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट 25 सालों तक जिसने राज किया वहां पर भी आज भी सफाई पेशे से जुड़ी हुई जातियां जो है उनका रेशो पढ़ाई में न सिर्फ पुअर है बल्कि वहां पर कोई भी ऐसी योजना गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाएगी जो इरिडिकेशन को करे या रिहैबिलिटेशन लेकर आए या फिर टोटल मैनुअल स्पेंडिंग का जो नारा जो दिया जा रहा है वो कहाँ खड़ा है हमारे सामने। तो सवाल उठता है हमारे लिए कि फिर क्या वजह है? इस वजह के साथ साथ साइकोलॉजिकल जो सबसे ज्यादा एस्पेक्ट है वो यही है कि हमारा माइंडसेट इस तरीके से बना हुआ है कि हम एक ग्लोरिफिकेशन पेशा या इसको कहें कि एक गरिमापूर्ण एक व्यक्ति जिए अपनी जिंदगी को उसको एक तरह से हम नजरअंदाज करते हैं। और ये नजरअंदाज का ही वजह है कि हम लोग ये तो चाहते हैं कि भारत स्वच्छ हो लेकिन जो स्वच्छ बनाया जिस व्यक्ति स्वच्छ बना जो व्यक्ति स्वच्छ बनाना चाहता है या फिर जो पूरी जमात एक जो इस पेशे में लगी हुई है जो पूरे भारत को स्वच्छ बनाता है उसकी 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 अपनी स्वच्छता उसका स्वास्थ्य उसका उसका अपनी जिंदगी का हम क्या सुधार कर पा रहे हैं? इतना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या वजह है? क्या बात है ये आप बार बार लाइट को बंद कर रहे हैं? मेरी आवाज़ इतनी कम नहीं है कि आप इतना पहुँच सकते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बावजूद इसके भी एक